हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शौक बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, अभी पी रहा हूं मैं चाय। और दोस्तों, आज हमें दो काम करने हैं। पहला काम है हमें विस्की को अच्छे से नहलाना है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक बढ़िया टिप्स देने वाला हूँ कि डॉग्स को किस तरह नहलाते हैं, एक परफेक्ट वॉक डॉग को किस तरह दिया जाता है। और दोस्तों, सेकेंड चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि विस्की का जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसे हमें अपडेट कराना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा वीडियो भी बनाई थी मैंने जब डॉक्टर घर पर आया था वैक्सीन करने, तो हमारा कार्ड जो है मिसप्लेस हो गया था। तो आज हम उसे भी अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, चाय पीकर चलते हैं विस्की को नहलाने। विस्की के पैरों का हाल देखिए, ये देखिए कैसे ये रफ हुए पड़े हैं, ठीक है। और आप टिक्स भी इसकी बॉडी पे अच्छे से देख सकते हैं, देखिए टिक्स। तो दोस्तों, टिक्स का तो कोई परमानेंट अभी तक इलाज आया नहीं है। ये देखिए दूसरा पैर, ये चीज़ आप देख सकते हैं। आज इन सब चीज़ों का हम इलाज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो हथियार हैं जो एक डॉग को नहलाने में लगते हैं। देखिए, टिक शैम्पू है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ स्टार्ट होने पे टिक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं डॉग के अंदर। दोस्तों, नारियल का तेल है। दोस्तों, नारियल के तेल से आप जो मैंने अभी पॉज दिखाए डॉग के पॉज में इन्हें लगाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा काम करता है स्किन के लिए, और स्किन की जो एलर्जीज होती हैं उन पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, डिटॉल का एक ढक्कन पानी में, जिससे कि एंटीसेप्टिक का काम हो जाएगा। इस बाउल में हम नारियल का तेल डालेंगे और नींबू निचोड़ देंगे। आपको पता है नींबू स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उसके हेयर के लिए भी अच्छा होता है। और कॉटन से हम उसके इसे पॉज पे लगाएंगे और कान साफ करेंगे। दोस्तों, सारा सामान जो है रेडी हो चुका है, तो अब इसी को नहलाते हैं। आइए दोस्तों। दोस्तों, दोनों बाल्टियों में डिटॉल अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है, तो अब इसको बॉडी को गीला करते हैं। गर्मी हो रही है बेटा, ना दे। बॉडी विस्की की जो है गीली कर दी है। कभी भी शैम्पू जो है डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिए, इस तरह एक मग्गे में पानी ले लीजिए, शैम्पू उसमें डाल लीजिए। और दोस्तों, शैम्पू डालने के बाद कुछ इस तरह से उसमें झाग बना लीजिए अच्छे से पानी को मिक्स करके, और उसके बाद डॉग की बॉडी पे जो है अप्लाई कीजिए। ये देखिए इस तरीके से, इससे पूरी बॉडी पे जो है शैम्पू अच्छे से लग जाता है। ये देखिए, इस तरफ टिक्स बहुत ज्यादा होते हैं कॉलर के पास, तो यहाँ पे अच्छे से डालिए। और पूंछ पे भी दोस्तों, शैम्पू थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं जहां बच जाता है जो एरिया, सर से लेके इस तरीके से। ये देखिए, अब बढ़िया झाग बनेगा प्रॉपर। तो इतना नफ है दोस्तों। तो दोस्तों, कई मेरे भाई क्या करते हैं, बस शैम्पू लगाया, रगड़ दिया या साबुन, और उसके बाद तुरंत जो है पानी डाल देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। एक परफेक्ट बात देना है दोस्तों हमें, टिक्स जब डॉग की बॉडी पे हो तो आपको जो एंटी टिक शैम्पू होते हैं उसे कम से कम भी 15 मिनट डॉग की बॉडी पे रफ करना है, मसलते रहना, ताकि वो स्किन में जाए। और क्योंकि स्किन में ही टिक्स होते हैं, तो उनको टिक्स पे वो असर करे और टिक्स जो है हटे बॉडी पे से। देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें मसलना होता है, ताकि ये शैम्पू स्किन तक जाए।
तो फ्रेंड्स 50 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो अब इसको हम पानी से क्लीन कर देते हैं, सारा शैम्पू इसकी बॉडी से हम जो है निकाल देते हैं। दोस्तों जिन भी डॉग्स के ईयर क्रॉप होते हैं उनके कानों को बचा के हमेशा हमें पानी डालना है, क्योंकि पानी जाने से डॉग्स के ईयर में बहुत ही गंदा इन्फेक्शन होता है, बहुत गंदी स्मेल आती है, तो इस चीज के लिए हमेशा केयरफुल रहिए। विस्की स्टैंड दोस्तों, ये था आज की छोटी सी वीडियो में, फिर आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल पे नए तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।